Assalamu everyone this is Fatima Jabeen and I am presenting on the topic imagery in keats so first of all we have introduction to the poet john keats was born in 1795 and died in 1821 This english literature romantic movement poet basically second generation ka poet tha, pe P. B. shelley and lord Baron the यंगर जनरेशन के और इसको क्लासिक पोइट भी कहते थे इसके फेमस वर्क की वजह से जो कि इसने अपनी पोइट्री में इमेजरी के थ्रू दिया था और आ, ये सेंसस पोइट था क्योंकि इसने फाइव सेंसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था अपनी पोइट्री में नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए और बेसिकली ये इमेजरी की वजह से ही मोस्ट फेमस था सो नेक्स्ट वी हैव वॉट इज़ इमेजरी इमेजरी ऐसे लिटरेरी डिवाइस को कहते हैं जिसमें ऑथर या राइटर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करता है जो हमारे फाइव सेंसेस को अपील करें इसको हम कलेक्शन ऑफ विजुअल इमेज़ भी कहते हैं क्योंकि इसमें विजुअल डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा होती है कीड्स ने अपनी पोइट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल इमेजरी का यूज़ किया था और सेंसनेस का यूज़ किया था बहुत अच्छे तरीके से इसने फाइव फाइव सेंसेस की विजुअलाइजेशन की थी अपनी पोइट्री में फॉर एग्जांपल ओ टू ऑटम में इसने कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है ड्राई फ्रूट बजिंग बीज रेस्लिंग लीव जिससे हमें पता लगता है कि हम विजुअली इमेजिनाइज कर सकते हैं उस डिस्क्रिप्शन को जो पोइट हमें दिखाना चाह रहा होता है या कहना चाह रहा होता है फिर हमारे पास है टाइप्स ऑफ इमेजरीज विच कीड्स यूज इन इज पोइट्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विजुअल इमेजरी विजुअल uh, इमेजरी uh, में ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो हमारी सेंस ऑफ साइट देखने की सलाहत को अपील कर सकें और हमें प्रेयर दे सकें फॉर एग्जाम्पल ओट टू ऑटम में कीट्स कहते हैं uh, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस यानी कि फॉक का सीज़न और फलों के पकने का सीज़न क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन ऑटम जो कि क्लोज फ्रेंड था मैचरिंग सन यानी फुल ग्रोन सन का इसमें हमें विजुअलाइजेशन uh, मिल रही है तो ये विजुअल इमेजरी की एग्जाम्पल है नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिटरी इमेजरी ऑडिटरी इमेजरी में ऐसे लफ्स का इस्तेमाल होता है जो हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग को अपील करें जैसे कि ओट टू नाइटिंगेल में उसके गाने के बारे में बात हो रही होती है दो वॉज़ नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड नो हंग्री जनरेशन थ्रेड दी डाउन द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड इन एनशर्ट डेज बाई एम्प्रेयर एंड थलॉन के, कीट कहता है कि आ, नाइटिंगेल की जो आवाज़ है वो इम मॉडल है और वो कोई अभी से नहीं चली आ रही वो बहुत पहले से राजा के ज़माने से चली आ रही है फिर हमारे पास है ऑल फैक्ट्री इमेजरी इस इसमें ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल को अपील करें और हमें आ, प्लेयर महसूस करवाएँ फॉर एग्ज़ाम्पल ओट टू में कीट्स बात कर रहे हैं फलों के पकने की आ,

लिखी जा रही होती है और ब्रूक यानी कि खेत में जो कैनाल होते हैं उसको वो क्रॉस करती है फिर वो बात करते हैं और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक साइडर प्रेस कहते हैं सेब का जूस निकालने की जो मशीन होती है दो वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स ऊजिंग कहते हैं लास्ट ड्रॉप को जो सेब का जूस निकल रहा होता है वो औरत उसके आखिरी कतरे को बहुत घंटों तक देखती रहती है यहाँ से हमें सेंस ऑफ टेस्ट का रेफरेंस मिलता है फिर हमारे पास आ जाता है टैक्टाइल इमेजरी टैक्टाइल इमेजरी में ऐसे वर्ड्स का यूज होता है जो हमारे सेंस ऑफ टच को अपील करें जो हमें पढ़ते वक्त प्लेजर महसूस हो हमारे सेंस ऑफ टच को जैसे कि ओ टू नाइटिंग गेल मेंव द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ रूथ यहाँ पे बा, बिब्लिकर रेफरेंस दिया गया है ये एक विडो लेडी की बात हो रही है यहाँ पे और नाइट इंगेल के सॉन्ग से जो रास्ता बनता है उसके दिल तक रूथ के दिल तक ये उसकी बात हो रही है जो कि होम सिकनेस का शिकार होती है और वो रो रही होती है कॉर्न के फील्ड्स में और आ, मैजिक केसमेंट्स द सेम डैट ऑफ टाइम्स हाथ चार्प मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फोन ऑन ऑफ पेरेलस सीज इन फेरी लैंड फॉर लॉन्ग मैजिक केसमेंट कहते हैं जादुई दरवाजों को जो कि यहाँ पर नाइटिंग गेल की आवाज़ से खुलते हैं और वो जादुई दरवाजे होते हैं एक फेरी के जो कि बहुत ही डेंजरस सी में चल रही होती है और नाइट इंग की आवाज़ से वो दरवाजे खुल जाते हैं फिर हम सो वी ओवरऑल वी कंसिडर डेट कीड्स की में पोट्री uh, कीट्स की पोइट्री में इंपॉर्टेंटली मेजरी इमेजरी का बहुत यूज़ था और इसी की वजह से वो एक सेंसुअस पोइट भी कहलाता था थैंक यू